Hello everyone, welcome back to my channel and my new video, and my name is Tushar. So this video is going to be something different, because in this video I'm going to review my bike KTM RC200cc of total 5 years of experience. तो अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन में जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस बाइक के बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स, ऑल द मेजर मॉडिफिकेशन विच आई हैव डन, कब सर्विसिंग करवाना है, कैसे प्रॉपर केयर लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बाइक मुझे मिला एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑन माई 20th बर्थडे बाय माई पेरेंट्स ऑन 9th of August 2015. सो दिस ईयर इन अगस्त शी विल टर्न 5. तो मैं आपको टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग हर, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. तो पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस से. सो द पावर ऑफ दिस बाइक इज, and the torque is 19.2 newton meter, and as claimed by KTM, the top speed of this bike is 140 kilometer per hour, and the mileage as claimed by KTM is 35 kilometer per liter. अब मैं आपको अपना experience बताने वाला हूँ top speed and mileage दोनों का. So the top speed of this bike is 137 kilometer per hour. बहुत भगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं भागे. ये रहा स्पीड का बात. अब मैं माइलेज का बात करूँ तो माइलेज मेरी बाइक देती है 30 to 32 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी एंड 35 to 38 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे. अब आप ये सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा माइलेज कैसे, तो फिर इस माइलेज को मेंटेन रखने के लिए एक टिप है मेरे पास जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और ये बहुत मुश्किल होगा स्टार्टिंग के डेज में इस टिप को फॉलो करना, क्योंकि मेरे साथ भी हो रखा था. बहुत ही मुश्किल से मैंने इस टिप पे एकदम होता है ना बांध के रख लिया कि नहीं भैया ये फॉलो करना है तो करना है. अगर आप ये फॉलो करोगे तो फ्यूचर में आपके बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा. सो अगर आप जब आप ये बाइक ले रहे हो तो कोशिश करना है स्टार्टिंग के फर्स्ट सर्विसिंग तक आप अपने बाइक को 60 के स्पीड से ऊपर ना ले जाओ. कुछ भी हो जाए ऐसे बगल से लोग निकल जाए, साइकिल वाला निकल जाए, रिक्शा वाला निकल जाए, ऑटो वाला निकल जाए, कोशिश करना आप 60 प्लस ना जाओ. रीज़न बीइंग, जब आप कोई नया बाइक या कार लेते हो तो उसमें इंजन नया होता है और इंजन को खुलने का टाइम चाहिए होता है, और अगर आप पहले ही दिन से रफ राइड करोगे तो फिर वो इंजन पे बहुत इम्पैक्ट करता है, और फिर फ्यूचर में आपके बाइक के परफॉर्मेंस और माइलेज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है. तो ये एक चीज़ है, और दूसरा, जब आप पहला सर्विसिंग करवा भी ले रहे हो उसके बाद भी कोशिश करना कि 10 दिन तक, सर्विसिंग के बाद 10 दिन तक भी आप 60 प्लस ना जाओ. कि आपके बाइक का पहला सर्विसिंग हुआ है और उसमें ऑयल चेंज होता है, ऐसा होता है कि ऑयल फ्लो होना ज़रूरी है, तो जब तक ऑयल फ्लो अच्छे से ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से ना हो जाए, तो कोशिश करो कि 60 प्लस 10 दिन तक भी ना जाओ सर्विसिंग के बाद. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अबाउट परफॉर्मेंस, माइलेज एंड स्पीड. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द राइडिंग पोस्चर एंड पिलियन सीट ऑफ दिस बाइक. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बाइक में हैंडल बार इज चेंज्ड. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका जो स्टॉक हैंडल आता है वो बहुत ही नीचे होता है और आपको बहुत बेंड होकर चलाना होता है, तो फिर वो फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है. और पिलियन सीट के बारे में बात करूँ तो सीट बस नाम का ही सीट है. कोशिश करना कि आप अगर किसी लॉन्ग राइड पे जाने का सोच रहे हो तो आप किसी को पीछे बैठा के ना ले जाओ, क्योंकि पिलियन सीट इसका बहुत ही अनकम्फर्टेबल है. अब मैं आपको KTM का सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊँगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. पहला सेफ्टी फीचर्स ये है, आज जैसे कि आप देख रहे हो बाइक स्टार्ट है, ठीक है. अब मैंने कर दिया साइड स्टैंड डाउन, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड स्टैंड डाउन. अब
अगर मैं साइड स्टैंड डाउन पे पहला गियर लगाऊंगा बाइक बंद हो जाएगी। इनका एक सेफ्टी फीचर है जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ इंडिया में आप बहुत लोगों को देखते हो, आप बहुत लोगों को चिल्ला के भी बोलते हो भैया साइड स्टैंड उठा लो, क्यों बोलते हो, ताकि एक्सीडेंट ना हो। जब तक आप साइड स्टैंड नहीं उठाओगे आप कितना भी कोशिश कर लो, देख लो कितना भी कोशिश कर लो कुछ भी कर लो नहीं स्टार्ट होगी। साइड स्टैंड उठाओ, साइड स्टैंड उठा लो, उसके बाद देखो एक बार में स्टार्ट हो गई। दूसरा सेफ्टी फीचर इसका ये है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और आप गलती से गिर गए तो फिर उस टाइम बाइक अपने आप बंद हो जाएगी, और फिर जब आपने बाइक को उठा लोगे वापस उसके बाद जब आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, पहले आपको अपना इंजन ऑफ करना होगा, फिर ऑन करना होगा, फिर आपने बाइक को स्टार्ट करोगे तब बाइक स्टार्ट होगी। ये लोग क्या करते हैं कि बाइक गिर जाती है तो उसको उठाने जाते हैं तो गलती से एक्सीलेटर घूम जाता है, तो जिसके चक्कर में बाइक आगे बढ़ जाती है और भी इंजरीज आ जाते हैं। तो दूसरा सेफ्टी फीचर KTM का ये बहुत अच्छा है। और अब मैं बताऊंगा ऑल द मॉडिफिकेशंस विच आई हैव डन ऑन माय बाइक। सो द मेजर मॉडिफिकेशन विच आई हैव डन इज़ द हैंडल बार। मैंने अपने स्टॉक हैंडल को पूरा चेंज करके ड्यूक का हैंडल हुआ है, तो उसमें मेरे को जो जो चेंजेस हुए, हैंडल के नीचे टी बार होता है वो चेंज हुआ और ड्यूक का हैंडल बार लगा है, और एक्सीलेटर वायर और क्लच वायर दोनों ड्यूक का लगा है। सो द टोटल कॉस्ट फॉर दिस मॉडिफिकेशन वॉज ₹6,000, और ये मैंने कराया था करोल बाग में, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द शॉप, बट एक शॉप और है जो ये चेंजेस कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उस शॉप का नाम है द गोल्डन बाइक शॉप, वो भी करोल बाग में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। दूसरा चीज़ द क्रैश गार्ड, ये मैंने इंस्टॉल करवाया है, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 3,000। तीसरा चीज़ मोबाइल होल्डर विच इज़ फॉर 500। चौथा चीज़ इज़ द बोल्ट चार्जर विच इज़ फॉर 1,500। एंड अपने बाइक पे एक्स्ट्रा LED लाइट्स लगवाया था फ्रंट व्हील के बेस पे, वो अभी मैंने हटवा दिया क्योंकि लाइट्स ख़राब हो गए थे, तो आपको उसका फ़ोटो यहाँ पे साइड में दिख जाएगा क्या कैसे करवाया था मैंने। उसको भी मैंने गोल्डन बाइक शॉप से ही लगवाया था, तो उसका प्राइस मुझे पड़ा था पूरा इंस्टॉलमेंट और लाइट्स को लेके 1,500। फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ इज़ मैंने अपने सीट पे एक्स्ट्रा कुशंस और सीट कवर अलग से लगवाया, क्योंकि जो KTM सीट प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होता है। आई विल टेल यू अबाउट द सर्विसिंग एंड हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर बाइक। तो आप जब बाइक ले रहे हो स्टार्टिंग के 2 साल तक, कोशिश करो कि आप अपने बाइक का सर्विसिंग 3000 किलोमीटर्स टू 3500 किलोमीटर्स तक करवा लो, और 2 साल के बाद आप अपना सर्विसिंग 4500 किलोमीटर्स टू 5000 किलोमीटर्स के बाद करवा लो। ऑल्सो जब मेरी बाइक 18,000 किलोमीटर चल गई थी तब मैंने अपने बाइक का क्लच प्लेट भी चेंज कराया था। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर आपकी बाइक 18,000 या 20,000 किलोमीटर्स चल जा रही है तो आप अपने बाइक का क्लच प्लेट चेंज करवा लो। एंड चेन का मैं बताना चाहूँगा, आप अपने चेन के लिए मॉड्यूल का चेन स्प्रे ले लेना, जब भी आपकी बाइक 400-500 किलोमीटर चल जा रही है उसके बाद आप ये दोनों यूज़ करना अपने चेन पे। तो फिर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, माइलेज, स्पीड, कब आपको सर्विसिंग कराना, हाउ टू टेक प्रॉपर केयर, ऑल द मेजर मॉडिफिकेशंस, चेन का केयर, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्स, फर्स्ट इज पिलियन सीट एंड राइडर सीट, बोथ आर अनकम्फर्टेबल। एंड सेकेंड थिंग इज़ द राइडिंग पोस्चर ऑफ द बाइक। थर्ड थिंग पार्ट्स ऑफ द बाइक, कुछ पार्ट्स इसके बहुत एक्सपेंसिव हैं, बस कॉन्स मेरे लिए यही है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोज ऑफ दिस बाइक, फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, 200 के सेगमेंट में ये बाइक एक मिनी रॉकेट है। माइलेज, मेरे केस में माइलेज अच्छा मिल रहा है मेरे को। सेफ्टी फीचर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड फोर्थ इज लुक, ये बाइक को देख के एक प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक का फील तो आ जाएगा बस चलाने टाइम, और आई कैची बहुत है, आप कहीं भी जाओगे तो लोग मुड़ के तो देखते हैं इस बाइक को एक ना एक बार। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक इज इट्स हेडलाइट, आपको LED हेडलाइट्स मिलते हैं जो आपको नाइट ड्राइव में बहुत ही हेल्प करता है। और अगर डिस्प्ले का बात करूँ तो इसमें LCD डिस्प्ले स्क्रीन लगा हुआ है जो आपको एवरेज स्पीड, कितने मिनट से आपका इंजन ऑन है, माइलेज, कितने किलोमीटर पर आपको सर्विसिंग करवाना है, सब कुछ डिस्प्ले करता है। सो डैट इज़ इट फॉर द रिव्यू ऑफ दिस बाइक गाइज। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गएंगे, वेदर यू शुड गो फॉर दिस बाइक और नॉट। अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो फिर मैं बोलूँगा आप इस बाइक को ज़रूर लो। अगर आप अपने बाइक में मॉडिफिकेशंस करवा लो जैसे मैंने अपने हैंडल में करवा रखा है तो ये बाइक बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ मेरे को बुरा लगता है कि
टॉप स्पीड के मामले में ना ये बाइक पीछे रह जाती है, क्योंकि RS200 और R15 दोनों 140 प्लस टॉप स्पीड दे देती है, तो उस मामले में ये बाइक थोड़ी पीछे रह जाती है। ये चीज़ थोड़ा मेरे को बुरा लगता है, बट ठीक है, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते अपन। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स इस बाइक को लेके वो सारा क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने टिप्स आपको दिया है उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है सो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके डाउट को कोशिश करूँगा क्लियर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न के लिए अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, और यहाँ जो रेड वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर पैशन टू लिव लाइफ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइड सेफ।